सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी सी टैट की जुलाई 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है सी डी पी, बाल विकास जिसे हम कहते हैं। सी डी पी की 35वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेज के कारण अलग अलग प्रकार के हमें बालक देखने के लिए मिलते हैं, तो बालक कितने प्रकार के होते हैं, यह सब हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इसी के साथ ही इस टॉपिक से सीटेट कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है, वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम इस क्लास के लास्ट में कवर करेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें सीटेट के लिए, जो सीडीपी का सिलेबस है उसकी बात करें, हम चाहे पेपर वन के लिए हो चाहे पेपर टू के लिए हो, तब हमें टोटल 11 यूनिट देखने के लिए मिलती है। इसमें से 7 यूनिट हम अपनी कंप्लीट करा चुके हैं। आज से हम अपनी 8वीं यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। तब सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता है क्या होता है, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। देखो इस संसार में आप देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं है, सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। इसी अंतर को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ होता है हर कोई अलग अलग है, सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ विभिन्नताएँ हैं, बिल्कुल समान कोई नहीं है। चाहे आप जुड़वा की बात ही क्यों ना करें, बिल्कुल जुड़वा एक युग में जो जुड़वा बालक होते हैं वे भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनकी भी आदतें वगैरह बुद्धि वगैरह अलग अलग हो जाती है। तो बिल्कुल सेम कोई भी नहीं है, इसी स्थिति को हम बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब हर कोई व्यक्ति अलग अलग है, सबके अपने गुण हैं, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई ठीक ठाक है, कोई मोटा है, तो सबके अपने गुण हैं, हर कोई एक दूसरे से अलग है, इसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तब किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाले अंतर या विविधता को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता जो ये शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था और इन्होंने इसका अध्ययन किया था। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही विद्यालय में हमें बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। देखो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या मतलब है, हर बालक अलग है, उसकी अपनी खुद की विशेषताएँ हैं, और इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, अपने विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हर बालक अलग है तो हर बालक को देखकर हम उसे पढ़ाएंगे, तो बाल केंद्रित शिक्षा यही होती है, और छात्रों को स्वयं करके सीखने के अवसर देने चाहिए। सभी बच्चे अलग होते हैं, इसीलिए एक शिक्षक को कक्षा में अलग अलग शिक्षण तरीकों के द्वारा शिक्षण कराना चाहिए, साथ ही विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करना चाहिए। विभेदित अनुदेशन का मतलब होता है अलग अलग तरह का अनुदेशन कराना चाहिए। तो देखो सब बच्चे अलग हैं, सबकी बुद्धि अलग है, सबका सीखने का तरीका अलग है, इसी वजह से एक शिक्षक को क्लासरूम में विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात अलग अलग तरीकों से पढ़ाना चाहिए। जिस बच्चे का सीखने का जो तरीका है वह अपने उस तरीके से सीख लेगा, मतलब जिसकी जैसी ज़रूरत उसके लिए वैसे शिक्षा में देनी होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता होने का जो मुख्य कारण होता है वह होता है वंशक्रम और वातावरण। जो हमें जीन्स मिले हैं, हमारे जो माता पिता से गुण मिले हैं हमें, वंशानुक्रम और हमारा जो वातावरण है आसपास का माहौल, उन दोनों के कारण ही ये व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में ये दोनों चीज़ें अपना रोल निभाती है, वंशानुक्रम और वातावरण। कोई आपसे पूछे व्यक्तिगत विभिन्नताएँ क्यों होती है, तो वंशानुक्रम और वातावरण के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती है, ये मुख्य कारण होते हैं इनके। अब बात कर लेते हैं, देखो व्यक्तिगत विभिन्नताएँ तो होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ मतलब सब अलग अलग है। जब सब अलग अलग है तो हम अध्ययन तो करना पड़ेगा हमें, तो इस आधार पर अगर हम बालकों को बांटें, सभी बालक अलग अलग हैं, तो अगर हम बालकों को बांटना चाहें, बालक कितने प्रकार के हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हमें दो प्रकार के बालक देखने के लिए मिलते हैं, सामान्य बालक जनरल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालक जिसे हम स्पेसिफिक चिल्ड्रन या स्पेशल चिल्ड्रन बोल देते हैं। सामान्य बालक तो जो ठीक ठाक होते हैं, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ना ज़्यादा टफ है, ना ज़्यादा मंदबुद्धि है, अपना ठीक ठाक सारा काम अपने कर लेते हैं, वे सामान्य बालक होते हैं। विशिष्ट बालक भी होते हैं जो किसी न किसी चीज़ में स्पेशल होते हैं, या तो उन शरीर में उन्हें कोई दिक्कत है, या बुद्धि उनकी इतनी अच्छी नहीं है, या वे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी एक चीज़ में विशिष्ट हो सकते हैं। तब सबसे पहले सामान्य बालकों की बात करते हैं, हम जनरल चिल्ड्रन की। देखो ऐसे बालक जो अपनी आयु स्तर के अधिकतर बालकों जैसे होते हैं वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। किसी भी आयु को आप उठाएं, ज़्यादातर बालक जिस तरह के भी आपको देखने के लिए मिलेंगे वे हमारे सामान्य बालक होते हैं, सामान्य बालक होते हैं। ये जो ये सामान्य बालक होते हैं, ये इनका जो शरीर होता है, बुद्धि होती है, वो बनावट होती है, वो सामान्य होती है, उन्हें कोई सामान्य कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होती, सब कामें ठीक ठाक तरीके से कर लेते हैं। इन बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ, वो 90 से 110 के बीच होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जो सामान्य बालक होते हैं उनका IQ 90 से 110 होता है। ये बालक दिखने में कक्षा के अधिकांश बालकों के जैसे ही होते हैं, ना तो इनके हाथ पैर कुछ टूटा हुआ होता, ना इनकी बुद्धि बिल्कुल कम होती, ना इनकी बुद्धि ज़्यादा अधिक होती, सामान्य होते हैं ये, ठीक ठाक। कक्षा के ज़्यादातर जो बालक होते हैं वे सामान्य होते हैं, लगभग 70% बच्चे क्लासरूम में सामान्य ही होते हैं। इनका विकास सुव्यवस्थित होता है और समायोजन करना अच्छा होता है इनके लिए, कर लेते हैं ये समायोजन। ये न तो ज़्यादा होशियार होते हैं और न ही पढ़ाई में पिछड़ते हैं। एक कक्षा में लगभग 70% बच्चे सामान्य ही होते हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे सामान्य होते हैं। तो ये सामान्य बच्चे, इनमें कोई भी विशेष गुण नहीं होता, सब कुछ इनका ठीक ठाक होता है, सब कुछ अपना ठीक ठाक काम कर लेते हैं ये, दिखने में भी ठीक ठाक होते हैं, बुद्धि भी इनमें ठीक ठाक होती है, तो ये सामान्य बालक होते हैं। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट बालकों की। देखो ऐसे बालक जो सामान्य नहीं है वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। या तो वे सामान्य बालकों से पिछड़ चुके हैं किसी भी कारण से, या वे सामान्य बालकों से आगे निकल चुके हैं किसी भी कारण से, दोनों ही स्थितियों में विशिष्ट बालक बन जाते हैं। अब विशिष्ट बालक क्यों कहते हैं हम उन्हें, क्योंकि उनकी कोई एक विशेष गुण होता है जो उन्हें सामान्य बालकों से अलग करता है। जैसे अगर कोई बालक मंदबुद्धि है तो वो विशिष्ट बालक है, वो सामान्य बालकों के साथ पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसे पढ़ने में दिक्कत होगी, हमें उसके लिए अलग से क्लासेज लेनी पड़ेंगी, तो हम उसे विशिष्ट बालक कह देंगे। लेकिन अगर कोई बालक ज़्यादा इंटेलिजेंट है वह भी विशिष्ट है, क्यों है, क्योंकि उसे भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ने में दिक्कत होती है, उसे ऐसा लगता है कि ये बालक एक ही टॉपिक को तीन तीन बार क्यों पूछ रहे हैं, ये टॉपिक तो एक बार में समझ आ जाता है, इतना आसान टॉपिक है। तो विशिष्ट जो हमारा स्पेशल चिल्ड्रन है, ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, वह भी विशिष्ट ही होता है। तो विशिष्ट बालक आप समझ पाए क्या होता है, ऐसे बालक जो सामान्य नहीं है, हो सकता है या तो वे सामान्य बालकों से पिछड़ गए हों या सामान्य बालकों से आगे निकल गए हों, किसी भी कारणवश विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो ऐसे बालक जो सामान्य नहीं होते विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इन बालकों का कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो इन्हें सामान्य बालकों से अलग करता है। हाथ पैर टूटे हुए हो सकते हैं इनके, बुद्धि सामान्य नहीं हो सकती इनकी, देखने की अक्षमता कम, एक देखने की जो अक्षमता होती है वो कम हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ गुण ये स्पेशल लिए हुए होते हैं, इसी वजह से हम इन्हें स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं। ये बालक शैक्षिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक दृष्टि से या तो बहुत पिछड़ जाते हैं या सामान्य बालकों से आगे निकल जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में इनके लिए समायोजन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ये बालक जो होते हैं सामान्य बालकों की तुलना में या तो श्रेष्ठ हो सकते हैं या हीन हो सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं, या तो सामान्य बालकों से अच्छे हो सकते हैं, सामान्य बालकों से निम्न स्तर के हो सकते हैं। ये बालक किसी न किसी कारणवश पढ़ाई में परेशानी महसूस करते हैं। अगर ये बालक सामान्य बालकों से आगे निकल गए तो भी इन्हें पढ़ाई में कठिनाई होती है, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है वो सामान्य बालकों के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो अच्छी नहीं है, वो बहुत स्लो चल रही है, तो इन्हें परेशानी होती है पढ़ाई में। इन्हें भी जो अच्छे बालक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें भी जहाँ तक संभव होता है विशिष्ट बालकों को हम सामान्य बालकों के साथ ही समावेशी कक्षा में या सामान्य कक्षाओं में बैठाकर शिक्षा प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम इन बालकों को उसमें स्पेशल स्कूलों में भेज दें अलग से, तो ये समाज से कट जाते हैं, समाज से अलग हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि हम समाज का हिस्सा नहीं है क्योंकि हम अलग जा रहे हैं और ये सामान्य बच्चे अलग जा रहे हैं। अगर किसी बालक की विशिष्टता का स्तर इतना अधिक होता है कि वह सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, तभी उसे विशिष्ट विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में भेजा जाता है। हम कोशिश करते हैं कि चाहे कोई बालक देख नहीं सकता, चाहे सुन नहीं सकता, चाहे कितना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, चाहे चल फिर नहीं सकता, हम कोशिश करते हैं कि वो सामान्य बच्चे के साथ ही पढ़े। इसका लाभ यह होता है कि वे जब एक दूसरे के साथ पढ़ते हुए बड़े होते हैं तो समाज में एक दूसरे के साथ समायोजन कर लेते हैं, घुल मिलकर अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें अलग भेज देते हैं जो विशिष्ट बालक है, तो वे समाज की मुख्य धारा से कट जाते हैं, भेदभाव बढ़ता है इससे समाज में। अगर विशिष्ट बालकों को विशेष विद्यालयों में भेज दिया जाता है तब इसकी बहुत सी हानि हमें देखने के लिए मिलती है, जैसे समाज में भेदभाव बढ़ता है। ये बालक जो विशिष्ट बालक है खुद को अन्य बालकों की तरह योग्य नहीं समझते, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक आपस में घुल मिल नहीं पाते, इसलिए हमें जो विशिष्ट बालक हैं इन्हें भी अन्य बालकों के साथ ही बैठाकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम विशिष्ट बालकों के प्रकार। देखो विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं, अब सभी प्रकार तो इम्पोर्टेंट नहीं है सीटेट के लिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनकी हम बात करेंगे। फिर भी हल्का सा बता देता हूँ मैं, ये बालक होते कौन कौन है। प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं और स्मार्ट होते हैं, एक चीज़ को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। सृजनात्मक बालक वे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, कोई भी नई चीज़ बना देते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बालक वे होते हैं जिनकी हड्डियां वगैरह हाथ पैर सही से काम नहीं करते। श्रवण बाधित बालक सुन नहीं सकते ठीक प्रकार। दृष्टि बाधित बालक ठीक प्रकार देख नहीं सकते।
वाणी बाधित बालक ठीक प्रकार से बोल नहीं सकते हैं, वकलाते वगैरह या फिर गूंगे होते हैं। मंदबुद्धि बालक को हम पागल बालक कहते हैं जिनकी बुद्धि कम होती है। शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक वो होता है जो देखने में तो ठीक ठाक लगता है, सामान्य बालक लगता है, लेकिन क्लासरूम में फेल हो जाता है। मंद अधिगामी बालक उस बालक को कहते हैं जिसकी सीखने की गति थोड़ा कम होती है, स्लो लर्नर होता है जो। अधिगम असमर्थ बालक वे होता है जो सीखने की प्रक्रिया में, मतलब शिक्षण प्रक्रिया में कुछ क्रियाओं को करने में कठिनाई महसूस करता है। कुछ बालक होते हैं जो ठीक प्रकार लिख नहीं पाते हैं, कुछ बालक ठीक प्रकार पढ़ नहीं पाते, कुछ बालक गणित के सवालों को ठीक प्रकार सोल्व नहीं कर पाते, बाकी चीज़ें में ठीक कर लेते हैं, तो वे अधिगम असमर्थ बालक होते हैं। संवेगात्मक विकसित बालक वो होता है जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी हंस पड़ता है, जल्दी रो पड़ता है, जिसके संवेग स्थिर नहीं होते। समस्यात्मक बालक वो होता है जो क्लासरूम में बोल पड़ता है या अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगता है, जिससे दूसरे बच्चों को पढ़ने में समस्याएं होने लगती हैं। अति सक्रिय बालक वो होता है जो हाइपर एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है क्लासरूम में। टीचर कुछ भी बोले, मैं बताऊँगा, टीचर कहे कि चौक लाना है, वो तुरंत उठ के भाग पड़े कि चौक में लेके आता हूँ, तो अति सक्रिय बालक होता है वो। अपराधी बालक वो होता है जो क्लासरूम का फैन वगैरह चेयर वगैरह तोड़ देते हैं, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। किसी बीमारी से ग्रसित बालक वो कोई भी हो सकता है जिसे कोई भी ऐसी बीमारी है जो उसे होनी नहीं चाहिए, बुखार वगैरह तो हो जाता है, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए जिसकी वजह से उसे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े, पढ़ाई छूटे उसके, तो ये बालक होते हैं। अब खास बालकों की एक बार बात कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक जिसे हम अधिसामान्य बालक कहते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन। देखो जो क्लासरूम के इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो वे हमारे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इनका IQ होता है 120 प्लस होता है। जो सामान्य बच्चे हैं उनका IQ कितना होता है, 90 से लगभग 110 होता है, और इनका IQ 110 से प्लस भी हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। 110 से प्लस कहें आप, या 120 से प्लस कहें, या 140 से प्लस कहें, जो आपके पेपर में आए वो लगाना, लेकिन जनरली 120 प्लस मानते हैं हम इनका IQ। पेपर में कुछ भी आ सकता है, 110 आ सकता है, 120 या 140, जो आए वो आप लगा के आसाना, तीनों चीज़ नहीं आएंगी। जो ये बालक होते हैं ये शैक्षणिक गतिविधियों में, अकेडमिक्स में, स्कूल वगैरह में अच्छे नंबर ले आते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं। ये अपसारी चिंतन करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था चिंतन दो प्रकार का होता है, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चे स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, वे कुछ भी सोच सकते हैं। अभिसारी चिंतन का मतलब है जो चीज़ आपने रटी है उसी के बारे में सोचना है। एक तो क्या होता है अभिसारी चिंतन। देखो अभिसारी चिंतन क्या होता है, जो चीज़ आपने रटा है उसे ही सोचना है। जैसे हमने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में किसकी गवर्नमेंट चल रही है केंद्र में, तो BJP गवर्नमेंट चल रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम बच्चों को रटा देते हैं, और फिर बच्चों से कहते हैं जो हमने रटाया था वो बताओ हमने क्या रटाया था। वो क्या हुआ, अभिसारी चिंतन हुआ, रटाया चिंतन। जो चीज़ बच्चे रट चुके हैं जब उसके बारे में सोचते हैं तो अभिसारी चिंतन है। लेकिन जो अपसारी चिंतन होता है वो क्रिएटिव थिंकिंग होता है, बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं आप उनके कारणों को बताइए, तो बच्चा कुछ भी कह सकता है, वो स्वतंत्र है बताने के लिए, कोई रटाया उत्तर उसे नहीं देना है। तो ये क्या हुआ, अभिसारी चिंतन तो होता है आपका रटाया चिंतन, और अपसारी चिंतन होता है क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ भी बच्चे सोच सकते हैं। ये बालक मौलिक चिंतन करने वाले होते हैं। तो अपसारी चिंतन, मौलिक चिंतन, सृजनात्मकता, ये चीज़ें एक साथ चलती हैं हमेशा। मौलिक चिंतन या मौलिकता का मतलब भी होता है कोई नई चीज़ सोचना। ये बालक विकास के सभी क्षेत्रों में अच्छे होते हैं, इनका विकास अच्छा होता है क्योंकि इनमें बुद्धि ज़्यादा होती है, और बुद्धि ज़्यादा होने के कारण इनका विकास अच्छा हो जाता है। इनमें प्रतिद्वंद्विता की भावना ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब ये कॉम्पिटिटिव होते हैं बालक, कंपटीशन करते हैं। अगर कोई इनसे ज़्यादा नंबर ले आए या किसी कार्य में वो ज़्यादा अच्छा निकल जाते हैं, उससे कंपटीशन करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये अपने निर्णय में आत्मविश्वासी होते हैं, जल्दी से दूसरे की बात को नहीं मानते। अनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया के कारण ही प्रतिभाशीलता आती है, ये तो सामान्य सी बात है, हर जगह आप लिख सकते हैं। कोई बच्चा अच्छा है तो क्यों है, अनुवांशिकता और वातावरण के कारण है। तो ये हमारा प्रतिभाशाली बालक था, इसका IQ 120 होता है, ये बात याद रखना आप। और ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ये अपसारी चिंतन करते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक साथ आएंगे, अपसारी चिंतन, मौलिक चिंतन, मौलिकता, सृजनात्मकता, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं आपके, मुक्त अंत वाले प्रश्न, ये चीज़ें हमेशा एक साथ लिखी हुई मिलेंगी आपको, इनका एक ही अर्थ होता है। सृजनात्मक बालकों की बात कर लेते हैं। देखो सृजनात्मक बालक भी हमारे जो ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं इन्हीं की तरह अच्छे होते हैं, लेकिन इनके IQ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका क्या IQ है, क्योंकि सृजनात्मक बालक कोई भी हो सकता है, जिसका IQ कम है वह भी हो सकता है, जिसका IQ ज़्यादा है वह भी हो सकता है।
लेकिन जितनी ज़्यादा जिसमें बुद्धि होती है वह उतना ही सृजनात्मक होता है, लेकिन ये पक्का नहीं कह सकते हम, फिक्स नहीं है कि ज़्यादा IQ वाले बुद्धि वाले बच्चे ही ज़्यादा बुद्धि वाले या ज़्यादा IQ वाले बच्चे सृजनात्मक भी होंगे। तो ये कुछ ऐसा है सृजनात्मकता, जो क्या होता है सृजनात्मक बालक कौन सा होता है, जो कोई नई चीज़ बना देता है, नई चीज़ बनाने की क्षमता जिस बालक में हो वो सृजनात्मक बालक होता है। तो लेकिन IQ से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। CTET पूछता है किसी बच्चे का IQ ज़्यादा है तो क्या वह सृजनात्मक भी होगा, तो हम पक्का नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक भी हो। जो सृजनात्मक बालक होते हैं वे अधिक क्रियाशील होते हैं, वे अधिक समय तक कार्य में लगे रहते हैं, इनकी कल्पना शक्ति मौलिक चिंतन उच्च होता है, ये अपसारी चिंतन करने वाले होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ये बालक स्वतंत्र निर्णय लेने वाले होते हैं, आसानी से किसी की सलाह नहीं मानते। ये बालक इस तरह ही होते हैं जिस तरह हमारे जो हमारे प्रतिभाशाली बालक ये वाले होते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं कह सकते हम। सृजनात्मकता बात कर लेते हैं थोड़ा। सृजनात्मकता क्या होता है? देखो, जब हम समाज के योग्य कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम सृजनात्मकता बोलते हैं। जब हमने कोई नई चीज़ बनाई जो किसी लाभदायक कोई चीज़ हो, अगर हम कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं उसका कोई काम नहीं है तो वो सृजनात्मकता नहीं कहलाता। सृजनात्मकता क्या होता है? मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। देखो, मैं बता चुका हूँ सृजनात्मकता, मौलिकता, अपसारी चिंतन, मुक्त अंत वाले प्रश्न, मौलिक चिंतन, ये चीज़ें हमेशा एक साथ रहेंगी, एक साथ देखने के लिए मिलेगी। इन सबका मतलब एक ही होता है। सृजनात्मकता के लिए अपसारी चिंतन जरूरी है, तो ये भी आ गया। देखो, अपसारी चिंतन भी आ गया, तो ये शब्द जो है, अपसारी चिंतन हो गया, सृजनात्मकता हो गया, मौलिकता हो गया, मौलिक चिंतन हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए, मुक्त अंत वाले प्रश्न, इन सबका मतलब एक जैसे ही होता है, एक साथ ही रहते हैं। ये सृजनात्मकता हमारी शैशवावस्था से शुरू हो जाती है, क्योंकि जब छोटा बालक होता है उसके हम खिलौना देते हैं तो उसे तोड़ मरोड़ कर कुछ भी बना देता है उससे। वो इसका मतलब क्या है, उसमें सृजनात्मकता का गुण है, बच्चे में वो नई चीज़ पैदा करना चाह रहा है, बनानी चाह रहा है। बुद्धि लब्धि व सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध होता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो सृजनात्मक भी होगा। तो ऐसा ही है कि बुद्धि लब्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध होता है। जितनी बुद्धि लब्धि होगी उतनी अच्छी सृजनात्मकता का गुण आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कहीं बालक IQ हाई होता है लेकिन ज़्यादा क्रिएटिव भी नहीं होते। देखो, ये शब्द एक साथ आएंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अच्छे से पढ़ लेना। सृजनात्मकता, मौलिकता, मौलिक चिंतन, अपसारी चिंतन, मुक्त अंत वाले प्रश्न, समस्या समाधान, ये चीज़ें हमेशा एक साथ चलेंगी। आपको कहीं भी ये दो शब्द एक साथ मिले तो दोनों को पॉजिटिव मानो, एक जैसे मानो। सृजनात्मकता इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, सारे एक दूसरे से संबंधित है। इनका मतलब एक ही है कि बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, कुछ नया बना रहा है, सबका मतलब एक ही है। नेक्स्ट है हमारा विकलांग बालक। देखो, जिन बालकों की जो शरीर में कोई कमी होती है उन बालकों को हम विकलांग बालक बोलते हैं। अस्थि विकलांग बालक में होते हैं जिनकी हड्डियाँ खराब होती हैं, हाथ पैर सही से काम नहीं करते, श्रवण बाधिता जो बालक सुन नहीं सकते, दृष्टि बाधिता जो बालक देख नहीं सकते, वाक बाधिता जो बालक ठीक से बोल नहीं सकते। जो हमारी विकलांगता के स्तर होते हैं, अगर हम विकलांग बालकों के स्तर की बात करें तो वे चार होते हैं, कम, मध्यम, गंभीर, पूर्ण, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अब देखो, किसी की हल्की सी उंगली कट गई वह भी तो कह सकता है कि मैं विकलांग हूँ, लेकिन हम क्या कहते हैं कि जो 40% अगर किसी का 40% अंग खराब हुआ है तो हम उसे पूरा विकलांगता की श्रेणी में नहीं रखते, उसे पूरी सुविधाएं नहीं देते। किसी की उंगली कट गई 10-15% उसका अंग विकलांग हुआ है तो हम ये नहीं मानते कि तुम विकलांग हो, उसे हम समान नहीं मानते हैं। हल्की फुल्की उंगली कट जाती है तो किसी की, तो उन्हें हम विकलांगों वाली छूट भी नहीं देते। मध्यम क्या होता है? अगर किसी का 40-70% कोई अंग खराब हो गया है। गंभीर बाधित क्या होता है? 70% से ज़्यादा, और पूर्ण बाधित लगभग 100%, लगभग जिसका पूरा शरीर का अंग कोई ख़राब हो गया है। तो ये 40% से नीचे वाले को हम पूरी तरह से विकलांग नहीं मानते, उसे जो विकलांगों वाली सुविधाएं होती हैं हमें भी नहीं देते उसे हम। नेक्स्ट है हमारा मंदबुद्धि बालक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है CTET के लिए। मंदबुद्धि बालक को पागल बालक कह देते हैं हम इसे, जिसकी बुद्धि कम होती है। आम भाषा में यही कह देते हैं, ये बच्चा थोड़ा सा ऐसा ही है, पागल है, इस तरह से हम आम भाषा में बोलते रहते हैं, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए हमें, फिर भी सामान्य शब्द है, हम सब यूज करते हैं। तो मंदबुद्धि बालक या मानसिक मंदन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन क्या होता है, जिसकी बुद्धि कम होती है, उस बालक को हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। इसकी बुद्धि लब्धि IQ कितना होता है इसका? 70 या उससे कम होता है, 70 या उससे कम होता है इसका IQ मंदबुद्धि बालकों का। मंदबुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जिनके शारीरिक या मानसिक रोग के कारण बुद्धि का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता। ये इतने पिछड़े हुए होते हैं कि अपनी दैनिक कार्य भी नहीं कर पाते और कक्षा में दिए गए निर्देशों को भी नहीं समझ पाते। मंदबुद्धि बालक तीन प्रकार के होते हैं, मूर्ख बुद्धि जिनका IQ 50 से 70 के लगभग होता है, मूढ़ बुद्धि जिनका IQ 25 से 50 के करीब होता है, जड़ बुद्धि जिनका IQ 0 से 25 के करीब होता है।
तो आप 25 को मेन मान सकते हैं, 25, 50 और ये हमारा 70 हो जाता है। 70 या 75 पेपर में कुछ भी आ जाएगा आपको देखने के लिए। तब मूर्ख बुद्धि वाला कौन होते हैं, जिनकी बुद्धि कम तो होती है लेकिन फिर भी वे इस योग्य होते हैं, हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, इसी वजह से हम उन्हें एजुकेटेबल चिल्ड्रन बोलते हैं, फिर वैसे इन्हें मोरोन बोलते हैं। मूर्ख बुद्धि में बालक होते हैं जिन्हें हम कक्षा 5 तक पढ़ा सकते हैं और अपना दैनिक कार्य में ठीक ठाक कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। मूर्ख बुद्धि बालक में होते हैं जिनका IQ 26 से 50 तक होता है, ट्रेनेबल चिल्ड्रन इन्हें हम बोलते हैं, ये पढ़ नहीं पाते और अपना दैनिक कार्य जब ये करते हैं तो हमें थोड़ा सा देख रेख की जरूरत पड़ती है इन्हें कि ये ठीक ठाक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये पढ़ नहीं पाते लेकिन हम इन्हें कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं कि झाड़ू लगा दो, इस चीज़ को यहाँ से उठाकर आप वहाँ रख दीजिए, तो ये कार्य कर लीजिए, तो ऐसे ऐसे कार्य हम इन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर कार्य में लगा सकते हैं। जड़ बुद्धि में बालक होते हैं, टोटली डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं ये, इनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती, इनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सड़क पर निकलते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, छत पर जाते हैं तो कहीं छत से ना गिर जाए, कहीं बिजली के सॉकेट वगैरह पास है तो सॉकेट में ही अपनी उंगली वगैरह ना दें, बिजली का झटका ना लग जाए, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये ना पढ़ सकते ना हम इन्हें ट्रेनिंग दे सकते, इसी वजह से हम इन्हें टोटली डिपेंडेंट बोलते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़ा चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन। देखो कुछ बालक ऐसे होते हैं क्लासरूम में जो दिखने में तो सामान्य ही होते हैं लेकिन वे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। उसका कोई भी कारण हो सकता है, हो सकता है कि उनकी थोड़ी सी बुद्धि कम हो, या हो सकता है उन्हें कोई परेशानी हो घर पर में, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे, तो कुछ भी हो सकता है। तो पिछड़ा बालक कौन सा बालक होता है जो दिखने में तो सामान्य ही होता है, बुद्धि लब्धि भी उसके IQ भी लगभग सामान्य बालक जितना ही होता है, हल्का फुल्का ही कम होता है अगर होता भी है तो, लेकिन वे किसी भी कारण से पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। देखो जो हमारा सामान्य बालक है जिसका IQ 90 से 110 है, वह भी पिछड़ा बालक बन सकता है। हो सकता है उसे घर पर पढ़ने की सुविधाएं नहीं मिल रही, उसे घर आने के बाद खेत जाना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, तो वह पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं लगा पाता और फेल हो जाता है। तो सामान्य बालक भी पिछड़ा बालक बन सकता है हमारा। इसके अलावा कोई बालक बीमार रहता है, बीमारी के कारण हॉस्पिटल जाता है, और जब वह हॉस्पिटल जाता है तो पढ़ाई नहीं कर पाता वो, क्योंकि उसकी विद्यालय पढ़ाई छूट जाती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो वह पिछड़ा बालक बन सकता है। तो पिछड़ा बालक कोई भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा बालक जिसका IQ 70 से 90 के बीच है, मतलब उसका IQ लेवल सामान्य से हल्का सा कम है, दिखने में तो सामान्य लग रहा है हमें, तो वह भी पिछड़ा बालक हो सकता है। तो कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो पढ़ाई में पिछड़ जाता है, क्लासरूम में फेल हो जाता है। ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की तरह ही होते हैं लेकिन किसी कारणवश में पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। पिछड़ेपन के कई कारण होते हैं। कुछ कारण ये हो सकते हैं कि बुद्धि का सामान्य से थोड़ा सा कम होना, घर पे झगड़े रहता है जिसके कारण बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता, बीमारी के कारण बार बार अस्पताल जाना या विद्यालय नहीं आ पाना, तो कुछ भी कारण हमारे पिछड़ने का हो सकता है। अधिकतर पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है सामान्य से कम होती है, 75 से 90। कोई भी आपसे कहे पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 75 से 90 करीब होती है, लेकिन ये सबकी नहीं होती, सबकी ज़्यादातर की होती है, क्योंकि कोई बालक सामान्य ही हो सकता है उसका IQ, लेकिन किसी कारण से किसी कक्षा में पिछड़ सकता है वो। ये बालक सामान्य बालकों के साथ तो बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं और अपने आयु वर्गों के जो बालकों के काम होते हैं वे भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा कम गति से सीखते हैं ये। अतः पिछड़ा बालक वह होता है अपने स्कूल के मध्य है, वो अपने कक्षा के एक नीचे के कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। ये आसान से पॉइंट है, इसे छोड़ दो, CTET नहीं पूछे गए। जो पिछड़े बालकों की जो अक्षमता है वो हम IQ में नहीं मापते, EQ में मापते हैं। EQ में क्यों मापते हैं, देखो IQ से तो हमें पिछड़े बालकों का संबंध नहीं मिल रहा, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वह भी पिछड़ सकता है किसी भी कारण से, तो IQ से का तो हमें कोई मतलब नहीं रहा। अगर किसी बच्चे का IQ 110 है और वह बीमार रहने लगा तो क्लासरूम में फेल हो जाएगा, वह पिछड़ा बालक बन जाएगा। तो IQ से तो हम पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन के नहीं जान सकते, तो इसके लिए हम EQ का प्रयोग करते हैं, शैक्षिक लब्धि का, एजुकेशनल क्वोशेंट का। इसके बारे में भी आगे पढ़ लेंगे हम जब IQ वगैरह पढ़ेंगे, तो जिस तरह IQ का फॉर्मूला होता है बच्चे की मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक इसी तरह शैक्षिक लब्धि का IQ होता है, फॉर्मूला होता है EQ इज इक्वल टू बच्चे की शैक्षिक आयु अपन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी CTET पूछ लेता है, इसके बारे में आगे पढ़ लेंगे हम जब वह पढ़ेंगे, जो हमने बुद्धि वगैरह के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने इसके बारे में पढ़ लिया था वैसे तो। अब बालकों के IQ को थोड़ा सा जान लीजिए आप, IQ कितनी होती है बालकों की। प्रतिभाशाली बालकों की IQ 110 प्लस होती है, वैसे तो 120 प्लस भी आप बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा। सामान्य बालक 90 से 110 होते हैं, पिछड़ा बालक 75 से 90 के बीच होता है IQ उसका, मंदबुद्धि बालकों का IQ 70 या उससे कम होता है।
मूर्ख बुद्धि का IQ 50 से 70 होता है, मूढ़ बुद्धि का 25 से 50 और जड़ बुद्धि का 0 से 25 के आसपास होता है। तो ये IQ का चार्ट है, CTET यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा जो टर्मन हुए हैं हमारे मनोवैज्ञानिक, टर्मन ने अपने अनुसार एक IQ का चार्ट दिया है। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 या उससे ज़्यादा है वो तो अति उत्कृष्ट बालक है, 120 से 140 के बीच का उत्कृष्ट बालक है, 110 से 120 IQ वाला श्रेष्ठ बालक है, 90 से 110 सामान्य है, 80 से 90 मंद बुद्धि है, 70 से 80 क्षीण बुद्धि है, 50-70 मूर्ख, 25 से 50 मूढ़, 0 से 25 जड़ बुद्धि है। तो ये टर्मन ने दिया है, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा समस्यात्मक बालक। देखो कोई बालक जो कुछ ऐसा काम करे क्लासरूम में जो एक समस्या बन जाए दूसरे बच्चों के लिए पढ़ने में, समस्यात्मक बालक कहलाता है। जैसे ज़्यादा बोलना, बार बार प्रश्न पूछना, क्लासरूम में अजीब अजीब आवाज़ें निकालता रहता है कोई, दूसरों को बहकाना, तो ये चीज़ें दूसरों को भ्रम में डाल देता है, वह टीचर नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, तो ये समस्यात्मक बालक होता है। संवेगात्मक विक्षिप्त बालक वो होता है जो ज़्यादा गुस्से वगैरह में रहता है, जल्दी हंस पड़ता है, जल्दी रो पड़ता है, जिसके संवेग स्थिर न हो। अति सक्रिय बालक वो होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है, बेचैन बालक, आराम से बैठा नहीं रह सकता 10 मिनट भी अपनी चेयर पर, वो अति सक्रिय बालक होता है। ऐसे बालकों को हमें क्या करना होता है, हाइपर एक्टिव जो बालक होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा काम देना होता है। अगर हम उन्हें एक्स्ट्रा काम देते हैं तो वह बालक उस काम में लगा रहता है, तो हमें उससे कोई अति सक्रिय बालक से कोई परेशानी नहीं होती। हम उन्हें बोर्ड साफ करने के लिए कह सकते हैं, इसके अलावा कक्षा का मॉनिटर बनाकर क्लासरूम को मैनेज करने के लिए कह सकते हैं, तो ऐसे हम उन्हें अतिरिक्त कार्य दे सकते हैं। अपराधी बालक में होते हैं जो अपराध प्रवृत्ति रखते हैं, दूसरों को धमकाते हैं, डांटते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं या विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। वंचित बालक में बालक होते हैं जो समाज में पिछड़े हुए होते हैं, किसी भी कारण से पिछड़ सकते हैं, वे सामाजिक दृष्टि से पिछड़ सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ग होते हैं समाज में जिन्हें हम ज़्यादा मान्यता नहीं देते, जिन्हें अच्छा उच्च वर्ग नहीं मानते, वे भी हमारे सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक होते हैं। एक ऐसा वर्ग होता है जो गरीबों का वर्ग होता है, वो आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक होता है। आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग होता है तो उनके बालक आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक होंगे, तो अलग अलग हो सकते हैं। वंचित बालक होने का यही मतलब नहीं है कि हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं जिन्हें दबाया गया है वे ही होते हैं, नहीं। एक अच्छा वर्ग वाला व्यक्ति भी अगर गरीब है तो वो आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग में आ सकता है। तो वंचित वर्ग को अगर हमें शिक्षा देना है तो उसका सबसे अच्छा एक तरीका है आवासीय विद्यालय खोलना, मतलब ऐसे जो परिवार हैं उनके घर के पास ही विद्यालय खोलना, तो उससे वे आसपास अपने जा सकते हैं, ज़्यादा दूर में जाना पसंद नहीं करते। इन्हें मोटिवेट करना चाहिए हमें और इनके आसपास विद्यालय खोलने चाहिए। तो आज की हमारी ये क्लास थी विभिन्न प्रकार के बालक। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक से CTET के पेपर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, उन्हें हमें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ नहीं, अगर हम उन्हें विशेष विद्यालयों में शिक्षा देंगे तो समाज में भेदभाव बढ़ेगा। विशेष विद्यालयों में नहीं, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा नहीं, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। इसका आंसर डी सही है, जो हमारे विशिष्ट बालक हैं उन्हें हमें अन्य सामान्य बच्चों के साथ सामान्य या फिर समावेशी विद्यालयों में शिक्षा देनी चाहिए, इससे समाज में भेदभाव नहीं बढ़ेगा, मेलजोल बढ़ेगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, विद्यार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। सब बच्चे अलग हैं, इस संबंध में शिक्षक को क्या करना चाहिए। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों पर बल देना चाहिए या सीखने के विभिन्न अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए क्लासरूम में, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अब देखो, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि सब बच्चे अलग अलग हैं तो वे एक समान गति से तो सीखेंगे ही नहीं, तो हमें एक समान गति को तो फोकस ही नहीं करना। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ये सही हो सकता है इसका, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं तो अलग अलग तरह के हमें अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए क्लासरूम में। कठोर अनुशासन हम कभी नहीं लगाते अपनी क्लासरूम में ज़्यादा, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने से जो अलग अलग तरह के बच्चे हमें नहीं सीखेंगे, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्यों। देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमें व्यक्तिगत रूप से एक एक बच्चे को क्यों देखना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे अलग हैं, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं है। बच्चों के विकास दर भिन्न होती हैं और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं, तो ये सही हो सकता है। विद्यार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, अच्छा तो ये भी है,
लेकिन ये हमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में इसका कोई रोल नहीं आ रहा। शिक्षक परीक्षण कार्यक्रमों में ऐसा बताया गया, ये तो गलत है, कि जब टीचर ट्रेनिंग ले रहे थे उन्हें ऐसे ही बताया गया था उनके ट्रेनर ने। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित, अनुशासन में तो हम नहीं डालना चाहते, उन्हें स्वतंत्रता देते हैं। तो इसका आंसर ए है कि सब बच्चे अलग अलग हैं, सबकी सीखने की दर अलग अलग होती है, इसी वजह से हमें सबको अलग अलग देखना चाहिए। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा अच्छा तरीका है? जो वंचित बच्चे हैं हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है कि हम विद्यालय में आएं। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करना, ये तो अच्छा नहीं लग रहा हमें, ये तो गलत है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन पाँच रुपये देना, ये रुपये होगा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन पाँच रुपये देना, ये भी सही नहीं है। आवासीय विद्यालय खोलना, ये सही है, मतलब बच्चों के पास ही हम विद्यालय खोल देंगे तो उससे जो हमारे वंचित वर्ग के बच्चे हैं वे विद्यालय में आने लगेंगे, तो इसका सी सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? मतलब हम सब अलग अलग हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तिगत विभिन्नता से सही है, बुद्धि सिद्धांत, वंशानुक्रम, पर्यावरण नहीं, ये व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंध है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब ये होता है हम सब अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखो सब बच्चे अलग अलग हैं तो शिक्षिका को, टीचर को क्या करना चाहिए? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, एल्गोरिथम यानी कि स्टेप्स वगैरह का अधिकतर प्रयोग करना समस्या समाधान में, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थिति को उपलब्ध कराना, ये सही है सबसे। इसमें मतलब सब बच्चे अलग अलग हैं तो हमें अलग अलग तरह की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए जिससे सब बच्चे सीख लें। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संवेगिक एमवादी अपसारी चिंतन। तो देखो मैंने कहा था सृजनात्मकता के साथ अपसारी चिंतन जाता है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, अपसारी चिंतन में एक बच्चा फ्री स्वतंत्र होता है, वह कुछ भी सोच सकता है, तो इससे वह क्रिएटिविटी की ओर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है, व्यक्तियों में विभिन्नता क्यों होती है? तो मैंने आपको बताया था विभिन्नता होती है वातावरण और हमारे वंशानुक्रम दोनों के कारण, तो इसका आंसर सी हो जाता है। वातावरण के प्रभाव के कारण भी होती है, जन्मजात विशेषताओं के कारण भी होती है, व्यक्ति को उसके माता पिता से जो जीन मिलते हैं उनके कारण भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका सी सही है, क्योंकि जो जीन हमें मिले हैं वे भी हैं और हमारा वातावरण भी है, तो दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं हमारी विभिन्नता को। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे नहीं, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, ये सही लग रहा है हमें, क्योंकि हम बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है और उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं आप क्लासरूम में आइए, उन्हें अलग कक्षा में बैठाएं, इससे तो भेदभाव बढ़ेगा, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे विद्यार्थियों के समान अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सही बी हो जाता है। बी का क्या मतलब है हमारा? कि हम उन्हें मोटिवेट करेंगे क्लासरूम में आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक विद्यार्थी कौन होता है? हर परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाला सृजनात्मक नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं कि जिसका IQ ज़्यादा होता है जरूरी नहीं है वह सृजनात्मक भी हो। लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा ये हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सृजनात्मक और समस्या समाधान एक जैसी चीज़ें होती हैं दोनों। जिसकी ड्राइंग और पेंटिंग अच्छी है वो भी नहीं सृजनात्मक हो सकता, बहुत बुद्धिमान है वह भी सृजनात्मक नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बी हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, सृजनात्मक और ये समस्या समाधान ही हमेशा एक साथ जाएंगे ये शब्द। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब एक ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता में से एक ही जीवित है, सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन जो होते हैं, सिंगल पेरेंट चाइल्ड जो होते हैं, उस अगर ऐसा कोई बच्चा आपकी क्लासरूम में पढ़ रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए? स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए उसे, इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ सामान्य बच्चों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ विभिन्न प्रकार का व्यवहार करना चाहिए तो गलत है। इस प्रकार के बच्चे को गृह कार्य कम देना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका बी सही है कि चाहे सिंगल पेरेंट हो चाहे डबल पेरेंट हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सामान्य बच्चों के साथ सामान्य तरीके से शिक्षा देनी है सभी बच्चों को। अगर हम भेदभाव करेंगे तो समाज में ज़्यादा भेदभाव बढ़ेगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं? अपसारी चिंतक होते हैं, सही बात है, बहिर्मुखी भी होते हैं, बहुत परिश्रमी भी होते हैं, अभिसारी चिंतक नहीं होते।
देखो अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, देखो बहिर्मुखी का हम पक्का नहीं कह सकते हो सकते हैं क्या, क्योंकि जो इंटेलिजेंट होते हैं बहुत से बच्चे इंट्रोवर्ट भी होते हैं और बहुत परिश्रमी भी होते हैं, लेकिन अपसारी चिंतन ज़्यादा जा रहा है, तो इसका आंसर ए होता है। देखो इसका ए भी सही है, वैसे सी भी सही लग रहा है हमें, परिश्रमी होते हैं, परिश्रम करते रहते हैं वैसे जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, लेकिन इसका ए ज़्यादा सही है, हमें अपसारी चिंतक पक्का होते हैं, ज़रूर होते हैं। नेक्स्ट है, अति सक्रिय बालक के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, डांट देंगे, डांटना किसी को नहीं होता, हमें उसके माता पिता को बताएंगे, माता पिता को बताकर क्या हो जाएगा, उसे अन्य कार्य देकर व्यस्त रखेंगे, इसका सी सही है, अन्य कार्य देंगे उसे और व्यस्त रखेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, ध्यान तो हमें सब बच्चों पर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बालकों का IQ कितना होता है, तो सामान्य बालकों का IQ 90 से 110 के मध्य होता है, देखो तो 100 से 110 हो सकता है, 90 से 50 नहीं हो सकता, 70 से कम, 130 से अधिक नहीं हो सकता, 130 से अधिक विशिष्ट बालकों का जो प्रतिभाशाली बालक है उनका तो हो सकता है, सामान्य का नहीं हो सकता, यहाँ से हमसे सामान्य का पूछा गया है, तो इसका आंसर ए सही हो जाता है, क्योंकि ए ही इसके सबसे अधिक करीब है, तो जो सबसे अच्छा होता है उत्तर हमें वो चूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो ये आज की हमारी क्लास थी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है, कितने प्रकार के बालक होते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट पूछता है, वह सब कुछ हमने कवर कर लिया है। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, बीएड के सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।